हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टैंड क्लास फोर्थ साइंस टर्म सेकेंड चैप्टर थर्ड सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। आवर टॉपिक्स आर सेफ्टी रूल्स, फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड से व्हाट हैड हैपन। आपको ये पिक्चर्स देखना है और इसमें बताना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। एक्सीडेंट में हैपन्स एनीवेयर एट एनी टाइम। एक्सीडेंट जो होता है वो कहीं पे भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। दे ऑक्योर मोस्टली ड्यू टू द अवर केयरलेसनेस और वेन वी आर इन अ ग्रेट हरी। एक्सीडेंट जो है वो कब होता है, जब हम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं तब, या फिर हम जल्दी में होते हैं तब। एक्सीडेंट आर वेरी कॉमन इन सिटीज। एक्सीडेंट जो होता है वो सिटीज में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। दिस इज बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स सच एज ट्रक, बसेस, कार्स एंड मोटरबाइक्स इन अ सिटी। वो इसलिए होता है सिटी में ज्यादा क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि ट्रक, बस, कार, मोटरबाइक्स, ये सारे इस तरीके के सारे व्हीकल्स वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोलिजन्स बिटवीन टू व्हीकल्स ऑफ्टन लीड टू एन एक्सीडेंट। जब दो व्हीकल आपस में टकरा जाते हैं तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ सेफ्टी रूल्स जो बनाए उनको फॉलो करना चाहिए। वो सेफ्टी रूल्स नीचे दिए गए हैं। सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स। अगर हम एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो हमको ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, जब आप रोड पे चले तब किस तरीके की सेफ्टी रखना है आपको वो बताया है। We must talk along the footpath. हमको जब भी हम रोड पे चले तो हमको फुटपाथ पे चलना चाहिए। If there is no footpath, walk close to the left side of the road. अगर फुटपाथ नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। Second है, we must cross the road at a pedestrian crossing, zebra crossing only. हमको रोड क्रॉस सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए। अगला है, इफ देर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग वी शुड फर्स्ट लुक टू आवर राइट एंड देन द लेफ्ट अगेन टू द राइट। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन व्हीकल्स आर एट द सेफ डिस्टेंस। अगर कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप क्या करें, पहले आपके लेफ्ट में देखें, फिर राइट में देखें और उसके बाद में फिर देखें कि अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो उसके बाद में आप उसको रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नेवर क्रॉस द रोड फ्रॉम द बिहाइंड द पार्किंग व्हीकल, पार्क्ड व्हीकल। अगर कहीं पे व्हीकल जो पार्क किए गए हो तो उसके आसपास से आप रोड क्रॉस नहीं करें। यू मस्ट नॉट प्ले और चेस अ फ्लाइंग काइट्स ऑन द रोड। आपको रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए या फिर पतंग भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये तो थे सेफ्टी एट रोड, रोड पे आपको जो सेफ्टी रखना चाहिए थी वो। अब अगला जो हमारा आता है वो सेफ्टी एट होम्स, आपको घर पे क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। Always keep well away from the stove when the food is being cooked. Escaping from the boiling pan, you must cause several burns. अब जब भी आप खाना बनाएं तो स्टोव से थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा पास में नहीं रहें, और अगर कोई सी चीज़ अगर गर्म है तो उसको टच नहीं करें, जिससे कि अगर आप टच करते हो तो आप जल सकते हो। Do not play with matchstick, माचिस से नहीं खेलना चाहिए। Do not switch on or off the electrical appliances with wet hand. जब अगर आपके हाथ गीले हो तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विच जो होते हैं उनको आपको ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मस्ट बी हैंडल्ड विथ द ऑलमोस्ट केयर। इफ समवन गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक द मेन स्विच मस्ट बी टर्न ऑफ इमीजिएटली। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमको बिल्कुल केयरफुली यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो आप सबसे पहले क्या करें, उस स्विच को बंद करें, इलेक्ट्रिकल स्विच को बंद करें। नेवर रन और डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों से जब भी आप उतरे या फिर चढ़े तो बिल्कुल दौड़ते हुए नहीं चढ़ना चाहिए आपको या फिर उतरना चाहिए। डू नॉट लीव थिंग्स ऑन अ फ्लोर, समवन माइट क्रीप एंड फॉल। फ्लोर पर आपको कोई सी भी चीजें उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए जिससे कि कोई स्लिप होके गिर सके। Do not take medicines on our home. You may poison our slaves by taking medicines that
यू आर नॉट मेंट फॉर यू। अब जब भी आप मेडिसिन ले तो बिना पूछे कोई से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार बच्चे जो होते हैं वो कुछ तो भी मेडिसिन खा लेते हैं जो कि उसके यूज की नहीं होती है। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, अब जब आप खेलने जाए प्लेग्राउंड में तब किस तरीके की सेफ्टी रखें। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, सच गेम्स में कॉज एक्सीडेंट लाइक स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स। अब आपको रफ गेम नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है बहुत सी बार आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो और उससे आपका फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। ऑन सम प्लेग्राउंड्स देयर इज अ ग्लास की नेल्स एंड स्टोन्स, डू नॉट प्ले ऑन सच प्लेग्राउंड। बहुत से प्लेग्राउंड में क्या होता है कांच के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं, नेल्स रहते हैं या फिर स्टोन्स रहते हैं, पत्थर रहते हैं, तो वहां पे भी आपको नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वहां पे अगर आप खेलते हो तो आपको लग सकती है। डू नॉट प्ले नियर द थॉर्नी बेजेस एंड बार्ड वायर्स। मान लीजिए अगर कहीं पे तार फेंचिंग किए हुए तो उसके आसपास भी नहीं खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल आता है सेफ्टी एट स्कूल। जब भी आप स्कूल जाओ या फिर स्कूल में अगर आप पढ़ाई करो उस टाइम पे आपको क्या क्या सेफ्टी रखना है वो। डू नॉट रन अबाउट और क्लिम ऑन अ डेस्क, जो डेस्क रहती है उसके ऊपर आपको चढ़ना नहीं है और उससे मस्ती नहीं करना है। नेवर अबाउट इनटू समवंस ईयर, और किसी के ईयर में कुछ भी डालना भी नहीं चाहिए, जैसे कि पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इस तरीके के जो सब्सटेंस है उनको आप किसी के ईयर में नहीं डालना चाहिए। डू नॉट ईट फ्रूट्स और नट्स फ्रॉम द प्लांट्स वी डू नॉट नो। अब किसी भी पेड़ के ऊपर अगर कुछ फल वगैरह लग रहे हैं तो उनको आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके बारे में आपको पता नहीं होता है। दे मे बी पॉइजनियस, वो आपके लिए पॉइजनियस हो सकते हैं, आपको अगर पता हो तो ही आप खा सकते हो। सेफ्टी इन द केस ऑफ फायर, अगर मान लीजिए कहीं पर आग लगती है तो उस टाइम पर आपको क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए वो। गेट एवरी वन आउट फ्रॉम द प्लेस वेयर द फायर इज ब्रोक आउट। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो वहां से आप क्या करो सारे लोगों को बाहर निकल दो। क्राउल ऑन द फ्लोर इफ देयर इज स्मोक, द एयर इज क्लीनर नियर द फ्लोर, सो पुट नोज एज लो एज पॉसिबल। अगर कहीं पे आग लग जाती है और धुआं आ रहा है तो आप क्या करो उस फ्लोर में ऊपर, या तो ऊपर चले जाओ या फिर वहां से बाहर हो जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा जो धुआं है वो आपके नाक में घुसेगा और उससे आपको बीमार हो सकते हो। इफ फायर ब्रोक आउट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। अगर मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर आग लगी है तो उस पर पानी मत डालिए। इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच एंड यूज फायर एक्सटिंगाइजर और थ्रो सेन ऑन दैट एरिया। तो सबसे पहले आप क्या करें, या तो स्विच ऑफ करें और स्विच ऑफ करने के बाद में आप क्या करें फायर एक्सटिंगाइजर का यूज करें, या फिर अगर फायर एक्सटिंगाइजर नहीं है तो सेंड यानी कि रेती का यूज करें, रेत उसके ऊपर आप डालें। इफ अ फायर इज कॉज्ड ड्यू टू पेट्रोल देन डू नॉट थ्रो वाटर। अगर कहीं पे आग पेट्रोल की वजह से लगती है तो भी आपको पानी उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, कि पेट्रोल जो होता है वो हल्का होता है पानी से। Therefore, it flares up the fire, और उसे और आग फैल सकती है। The fire is extinguished by throwing mud or sand on it. वो आग सिर्फ या तो मड या फिर सेंड डालने से ही बुझाई जा सकती है। तो ये हुआ हमको कहाँ पे क्या सेफ्टी रखना है वो। अब आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? An immediate treatment or help given to a person who is hurt or injured बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर आप किसी को इमीजिएट ट्रीटमेंट देते हैं, अगर किसी पर्सन को लग जाती है या फिर किसी तरीके का इंजर्ड अगर वो हो जाता है तो उसको आप सबसे पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं, और ये फर्स्ट एड जो होता है वो डॉक्टर के आने से पहले का होता है। इट हेल्प द इंजर्ड रिड्यूस हिज सफरिंग, ये उसको राहत देता है। सम जनरल एडवाइस टू द फर्स्ट एडर्स, जो फर्स्ट एड देना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइसेस दी गई है। एक्ट क्विकली, दिस विल हैपन टू सेव लाइफ। आप जितना हो सके उतना जल्दी करें फर्स्ट एड देने के लिए, क्योंकि उससे उसकी लाइफ बच सकती है।
ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम क्राउडिंग अराउंड द इंजर्ड पर्सन. अगर किसी पर्सन को अगर लग जाती है तो उसके आसपास जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको जितना हो सके उतना उनको दूर रखें, उसके आसपास नहीं देने दें. सेंड समवन फॉर अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल टू कैरी द इंजर्ड टू द नियरेस्ट डॉक्टर. अब आप या तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जल्द से जल्द किसी को भेजें या फिर उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाए. डू नॉट मूव द इंजर्ड इफ इट इज लाइकली डेट ही और शी हैज ब्रोकन एनी बॉन्स. अगर कोई पर्सन जिसकी अगर हड्डी टूट गई है तो उसको फिर चलना फिरना नहीं चाहिए. ही काम एंड मेथोडिकल्स ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी. अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो बिल्कुल तैयार रखना चाहिए कि अगर किसी को अगर किसी तरीके की लग जाती है तो आप जल्दी से जाके उसका ट्रीटमेंट कर सके. फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज, अगर आपको किसी तरीके की लग गई है तो उसके लिए किस तरीके का फर्स्ट एड लेना चाहिए वो बताया. ब्रोशेस, अब ब्रोशेस इज अ वर्ड बाउंड कॉज्ड बाय द फॉल और हैंड ब्लो. दैट डज नॉट ब्रेक द स्किन बट मेक्स इट टर्न ब्लैक एंड ब्लू. द बेस्ट फर्स्ट एड टू गिव द ब्रश इज टू पुट कोल्ड वाटर ऑन इट. You may use a towel or handkerchief soaked in a cold water. अगर मान लीजिए आपको किसी तरीके की चोट लगी है और उससे आपकी स्क्रीन जो है वो खराब नहीं हुई है बट आपको अंदरूनी अगर चोट अगर लगी है तो उसके लिए आप क्या करें और आपकी स्क्रीन का जो कलर है वो ब्लू या फिर ब्लैक हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या करें, उसके ऊपर ठंडा पानी डालें या फिर अगर आप टॉवल हैंकरचिप का भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा आता है कट्स. इफ अ पर्सन गेट अ माइनर कट, वॉश द कट विद क्लीन वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक टू इट. अगर मान लीजिए किसी को कट गया थोड़ा बहुत तो उस पर आप क्या करें, उसको अच्छे से साफ पानी से धो ले और उस पर एंटीसेप्टिक लगाते हैं. इफ नॉट कीप द कट क्लीन बाई कवरिंग इट विद अ क्लीन क्लोथ और अ टर्निक्वेट. अ टर्निक्वेट इज अ टाइप ऑफ बैंडेज. अगर कट जाता है और अगर ब्लड निकल रहा है और अगर आपने साफ कर दिया उसके बाद भी ब्लड नहीं बंद हो रहा है तो आप क्या करें, उसको कपड़े से बांध दें या फिर बैंडेड लगा दें उसके ऊपर. इफ द कट इज वेरी डीप प्रेस अ क्लोथ ऑन टाइटली एंड ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग अंटिल द मेडिकल हेल्प कम्स. अगर घाव बहुत ज़्यादा गहरा है तो आप उसको कपड़े से कस के बांध दीजिए ताकि जो ब्लड है वो बहना कम हो. नेक्स्ट है थिंग्स इन द समवंस ईयर. अगर मान लीजिए किसी के ईयर यानी कि कान में अगर कुछ चीज़ें चली जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पोर्स अ लिटिल स्वीट ऑयल इन टू ईयर परहैप्स थिंग्स विल कम आउट. तो आप क्या कीजिए, जो मीठा तेल होता है वो आप उसके कान में थोड़ा सा डाल दीजिए तो उससे हो सकता है कि वो चीज़ बाहर निकल सके. इफ इट डज नॉट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, अगर वो फिर भी बाहर नहीं निकलती है वो थिंग्स तो आप क्या करें, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाए. डू नॉट ट्राई टू टेक द थिंग्स आउट विद अ पीस ऑफ वायर और वुड. आप कभी भी उस वस्तु को वायर से या फिर लकड़ी से निकालने की कोशिश नहीं करें क्योंकि उससे हो सकता है उसका जो एयर ड्रम है वो डैमेज हो जाए तो उसको सुनाई देना ही बंद हो जाता है. थिंग्स इन समवंस आई, अगर किसी की आंखों में अगर कुछ गिर जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू रब हिज हर आईज. हमको पेशेंट को उसकी आंखों में मसलने से रोकना चाहिए. सी इफ द टीयर्स विल वॉश अवे द थिंग्स. आप धो के देख लीजिए आंख को अगर उससे अगर बाहर निकल जाए. द थिंग्स कैन नॉट बी रिमूव्ड विद अ क्लीन हैंकरचीफ्स फोल्डेड इन टू अ कॉन. इफ नॉट द टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. आप उसके बाद में अगर आपने हैंकर चेप को फोल्ड बना के उसका कोन बना के भी अगर उस चीज को निकालने की कोशिश करिए और अगर वो नहीं निकली है तो आप डायरेक्टली उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएं. थिंग्स इज इन द नोस, अगर किसी के नाक में कुछ चला जाता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, टेल द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज और हर माउथ एंड टेक हिम हर टू अ डॉक्टर. आप उस पेशेंट को क्या बोले कि मुंह से सांस ले नाक से सांस नहीं ले क्योंकि नाक से सांस लेने में वो और अंदर की तरफ खींचा जा सकती है इसलिए उसको नाक से सांस लेने के लिए मना करें, मुंह से सांस लेने और उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाए. अगला है बर्न्स, अगर कोई जल जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए,
इफ द बर्न इज मिरर सॉरी माइनर रन कोल्ड वाटर और पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न पोर्शन, अगर किसी को हल्का सा जल जाता है तो आप उस पे ठंडा पानी या फिर बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर रख दें। इफ देयर आर द ब्लिस्टर्स और अ लार्ज एरिया टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर एट वंस, अगर ज्यादा हिस्से में जल गया है कोई पेशेंट तो उसको डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास ले जाए। सबसे पहले नोज ब्लेड, नाक से खून बहना, मेक द पेशेंट सीट और लाई डाउन विद द हेड एंड शोल्डर्स राइज अबोव द बॉडी, पिंच द नॉस्ट्रिल्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लडिंग। अब अगर किसी को नाक से खून बह रहा है तो उसको आप उल्टा लेटा दें और उसकी जो नाक है उसको दबा के रखें ताकि जो नोज ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके। समटाइम्स अ कोल्ड वेट टॉवेल्स अप्लाइड टू द फेस एंड द बैक ऑफ द नेक हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। बहुत सी बार क्या होता है कि जो ठंडा टॉवेल होता है उसको भी उसके मुंह पे रखा जाता है ताकि वो जो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो सके। इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स, आप अगर आपको कुछ या फिर किसी इंसेक्ट ने काट लिया है तब क्या करना चाहिए? टेक आउट द स्टिंग्स इफ पॉसिबल, पुट द सम सॉल्यूशंस मेड ऑफ वाटर एंड वॉशिंग सोडा और वाटर एंड बेकिंग सोडा फॉर बाइट्स ऑफ द बीस और वास्ट, अप्लाई आइस एंड आइस वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो आप क्या करें, सबसे पहले जिस इंसेक्ट ने आपको काटा है उसका डंक निकालने की कोशिश करें, उसको निकालने के बाद बेकिंग सोडा या फिर वाटर और बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है या फिर जो वॉशिंग सोडा और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करें तो उससे उसको राहत मिलेगी। अगर मान लीजिए आपको मधुमक्खी ने काटा है तो आप उस पे आइस या फिर आइस वाटर जो है उसको लगाएं, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। समटाइम्स क्लोथेस कैच फायर, बहुत सी बार क्या होता है किसी किसी को या फिर किसी के कपड़े में आग लग जाती है। इफ समवंस क्लोथ्स कैच फायर रैप हिम और हर टाइटली इन द ब्लैंकेट, आप उसको क्या करें, अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है तो उसको आप कंबल से ढक दें और अच्छा टाइट पकड़ के रखें। दिस विल प्रिवेंट एयर फ्रॉम रीचिंग द फायर एंड इट विल डाई आउट। इस कंडीशन में क्या होगा, एयर जो है वो फायर के कनेक्शन से दूर हो जाएगी और इस बीच जो आग है आपकी वो बुझ जाएगी। इफ योर क्लॉथ इज कैच फायर स्टार्ट रोलिंग इमिजिएटली ऑन द ग्राउंड, बाई डूइंग सो द फायर विल बी पुट ऑफ। अगर आपके कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो आप क्या करें, जमीन पे अलौटने लग जाए, उससे क्या होगा कि आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर, अगर आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? द क्रेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर, अगर आपकी बोन यानी कि जो हड्डी है उसमें किसी तरीके का क्रेक अगर आ जाता है तो उसको फिर फ्रैक्चर कहते हैं। इफ पर्सन गेट्स हर्ट बाय एन एक्सीडेंट एंड लीड टू द ब्रोकन बोन देन, अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट अगर हो गया है और उसकी अगर हड्डी टूट गई है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अप्लाई आइस पैक्स रैप्ड विथ क्लॉथ, आप क्या करें कि एक क्लॉथ के अंदर आइस रखें, बर्फ रखें और उसको उस हिस्से पे रखें जहां पे फ्रैक्चर हुआ है। कीप द इंजोर्ड पार्ट अनमूव्ड, आप जिस हाथ में आपको लगी है या फिर जहां पे भी लगी है जिस पार्ट पे लगी है उसको आपको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। कॉल द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल फॉर मेडिकल हेल्प, जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगला है अप्लाई स्क्रीन टू सपोर्ट द फॉर होल्डिंग दैट पार्ट, हमको क्या करना चाहिए, जो स्क्रीन होता है वो उसको लगा देना चाहिए सपोर्ट के लिए। स्क्रीन इज अ थीन पीस ऑफ अ वुड और अदर रिगिड मटेरियल यूज फॉर इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड बोन और टू मेंटेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इन द फिक्स्ड पोर्शन। जो स्क्रीन जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके का वुड का पीस होता है या फिर जो दूसरे मटेरियल होते हैं उनका पीस होता है, उसमें क्या रहता है कि जो फ्रैक्चर जो होती है वो उस पोर्शन को हिलने डुलने नहीं देता है उस बोन्स को, और उसमें क्या होता है उसको फिक्स्ड पोर्शन पे जब रखेगा तो उसको हिलेगा डुलने का नहीं और इस बीच उसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, इसलिए उसको अच्छे से बांध देना चाहिए। तो ये हो गया फ्रैक्चर का और ये चैप्टर हमारा यही होता है एंड।